अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सहरी का टाइम है। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग उठ गए हैं सहरी करने के लिए। तो ब्रश वगैरह हम लोग कर लिए हैं और अम्मी और मैं यहीं पर सहरी करेंगे और बाकी लोग उधर साइड में कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बुलबुल भी आज मेरे साथ ही उठ गई है, तो ये भी हम लोग के साथ सहरी कर लेगी और हम लोग भी खा लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सहरी में कुछ ज़्यादा नहीं बनाए हैं, जो रात का हम लोग मुनगा सब्जी और चावल बनाए थे उसी में थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। तो दोस्तों, सुबह सुबह खाने का ज़्यादा मन नहीं करता है, तो इसलिए सहरी का नाम से थोड़ा थोड़ा हम लोग खा ले रहे हैं, फिर हम लोग रोज़ा रख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सहरी कर चुके हैं और इधर मैं आ गई हूँ नमाज किताब पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, अभी मेरा डेली ब्लॉग नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो दोस्तों, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और डेली हम लोग रोज़ा रखते हैं। तो दोस्तों, डेली हम लोग रोज़ा का ब्लॉग बनाएंगे तो सभी ब्लॉग एक जैसा हो जाएगा और आप भी एक जैसा ब्लॉग देख के बोर हो जाइएगा। इसीलिए दोस्तों, डेली मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा है और डेली कुछ अलग अलग ब्लॉग डालना पड़ता है, इसलिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। तो दोस्तों, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो हम लोग थोड़ा थक भी जाते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली हम लोग का ब्लॉग आए। तो देखिए दोस्तों, अभी दोपहर का टाइम है और हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं और मैं रात का तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं रात को लौवा का सब्जी बनाऊँगी। तो ये देखिए दोस्तों, अभी दोपहर से ही रात का मैं तैयारी करना शुरू कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं रात का सबसे पहले बना के रख दूँगी, फिर मैं अफ्तारी का भी तैयारी करूँगी। तो ये देखिए, मेरा लौवा अच्छे से कटा चुका है और सारा छिलका मैं बाहर फेंक दूँगी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लौकी की सब्जी कौन से नबी को सबसे ज़्यादा पसंद था? तो दोस्तों, मुझे पता है आप सभी को पता होगा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं लौकी को अच्छे से धो लेती हूँ, फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँगी, दो चार पानी से धो लूँगी। तो देखिए दोस्तों, मेरा लौकी अच्छे से धुला चुका है और मैं आ गई हूँ अपने अंदर किचन में और आज मैं अंदर किचन में ही खाना बनाऊँगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं लौकी का मसाला निकाल के पीस लूँगी सबसे पहले। तो मेरे को लौकी का मसाला, धनिया, जीरा और लहसुन, मिर्च, हल्दी का ज़रूरत पड़ेगा, तो सारा मसाला मैं निकाल लेती हूँ फिर पीस लूँगी। तो दोस्तों, मेरा मसाला निकल चुका है, अब चलिए चलते हैं मसाला पीसने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, सासू अम्मा पान का पत्ता मंगाए हैं और सासू अम्मा को पान बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी वो शाम को खाते हैं, डेली रोज़ा खोल के वो पान खाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा मसाला भी मैं पीस के आ गई हूँ और इधर रोशनी कढ़ाई चढ़ा चुकी थी, तो इधर मैं अब सब्जी को भी बना लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज मैं हीटर में खाना बना रही हूँ और चार पाँच दिन हो गया हीटर को लाए हुए और मैं आग में ही बनाती हूँ खाना। ज़्यादा चूल्हा में तो थोड़ा दिक्कत होता है, धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है जब लकड़ी कच्चा रहता है। तो ये देखिए, थोड़ा मेरे को बनाने में भी आसानी होगा, इसीलिए मैं हीटर को भी ले ली, अब खाना बनाना मेरे को थोड़ा सा आसान होगा। तो देखिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग दतुन लेने के लिए, तीन चार दिन हो गया लाए थे, वो वाला दतुन ख़त्म हो गया है, तो अब सारे बच्चे भी चल रहे हैं मेरे साथ दतुन लेने के लिए, तो बगीचा जाएंगे अब तोड़ने के लिए। देखिए दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं बगीचा में और यहाँ दतुन बहुत सारा है, मनचाहा दतुन आप तोड़ सकते हैं और अलग अलग दतुन है। तो देखिए, मैं सतरंगी वाला दतुन तोड़ी हूँ, पांच छह ठो तोड़ ली हूँ। तो इधर सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग को भी दीजिए, तो मैं एक एक ठो बच्चे लोग को भी दे देती हूँ अपने लिए रख के। और सासू अम्मा कल ही तोड़ के ले गए हैं अपने के लिए, तो अपने के लिए नहीं मंगाए हैं। तो अब चलिए दोस्तों, अब चलते हैं घर। तो देखिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने घर और मैं कर लेती हूँ दतुन, फिर मैं अफ्तारी बनाने का भी शुरुआत कर लूँगी, क्योंकि अब अफ्तारी बनाने के लिए बैठ जाऊँगी तो मेरे को टाइम भी नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले मैं आंगन को झाड़ू लगा लेती हूँ और आंगन में ही हम लोग अफ्तारी बनाएंगे आज। तो ये देखिए, मैं चूल्हा भी ले आती हूँ आंगन में।
तो देखिए दोस्तों, मैं आंगन में ले आई हूँ दो चूल्हा। एक में सासू अम्मा बनाएंगे, एक में मैं बनाऊंगी। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो जल्दी से बना लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, आज मैं सोच रही हूँ अब तारी में आलू भजिया बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आलू को धो के रख ली हूँ और उसको चिप्स जैसे काट लेती हूँ गोला गोला, फिर उसी का मैं भजिया बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आग भी जला लेते हैं दोनों चूल्हा में, फिर बनाने का तैयारी भी करना है। तो देखिए दोस्तों, दोनों चूल्हा में मैं आग जला चुकी हूँ और इधर सासू अम्मा इमली छील रहे हैं, जो उस दिन मैं इमली तोड़ के लाई थी उसी को छील रहे हैं। और इसका चटनी बहुत ही अच्छा लगता है, तो आज उनको इमली चटनी का खाने का मन किया तो बना रहे हैं अपने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अब मैं बेसन भी ले ली हूँ एक कटोरी, और उसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक मिला के फिर अच्छे से उसको पानी में घोल दूंगी, फिर बनाना स्टार्ट करूंगी। और दोस्तों, आज अम्मी खपड़ा रोटी बनाएंगे अब तारी के लिए। तो ये देखिए, नमक डाल के उसको अच्छे से घोल ले रहे हैं, और इधर मैं बेसन सान चुकी हूँ, और इधर जो मैं आलू कट करके रखी थी उसको मैं अच्छे से मिला लूंगी। और इधर मैं तेल भी डाल देती हूँ कढ़ाई में गरम होने के लिए। तब तक से मेरा इधर बेसन भी अच्छे से फूल चुका है, और इधर मैं फिर बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए, सबसे पहले सासू अम्मा बना रहे हैं खपड़ा रोटी, कितना अच्छा दिख रहा है, और उसको पकाने के लिए ढक्कन भी ढक दे रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा भी तेल गर्म हो चुका है और मैं भी आलू का भजिया छानना शुरू करती हूँ। तो ये देखिए, मैं डाल दे रही हूँ छनाने के लिए। तो दोस्तों, आज अफ्तारी में हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बना रहे हैं, आलू का भजिया और खपड़ा रोटी और चना वगैरह मैं फुला दी थी सुबह ही, वो है। और रोशनी के दादा खीरा ला दिए हैं, वही है, तो उसी में हम लोग अफ्तारी कर लेंगे। तो ये देखिए, अम्मी का सबसे पहला वाला रोटी बन के रेडी हो चुका है, और मेरा पहला वाला भजिया भी बन के रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग पूरा अफ्तारी बना लेते हैं, फिर हम लोग अजान का इंतज़ार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का अफ्तारी बनके रेडी हो चुका है और अजान भी होने वाला है। तो अब जल्दी जल्दी पूरा चीज़ को प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर हम लोग दुआ मांगने के लिए बैठ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब अजान भी हो गया है, अब हम लोग रोज़ा भी खोल लेते हैं। तो दोस्तों, दिन भर रोज़ा रखने में दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, और शाम को रोज़ अफ्तारी करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अब अफ्तारी कर ले रहे हैं, इधर सारे बच्चे भी आ गए हैं, हम लोग भी रोज़ा खोलेंगे ऐसे करके बोल के बैठ गए हैं, और सब कोई साथ में मिल के खा रहे हैं। तो दोस्तों, बच्चे लोग भी शुरुआत का रोज़ा एक दो रखे थे, और बच्चे लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, तो अभी उन लोग रोज़ा नहीं रख रहे हैं। मैं ही मना कर दी हूँ कि स्कूल जाते हो, दूर भी है तो मत रहो रोज़ा। दोस्तों, आज का वीडियो वहीं तक रखते हैं, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।